नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 19 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले में हमें भारत की प्लेइंग 11 पूरी तरह से टोटली बदली हुई नजर आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शंस के दौरान एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड, एक बहुत ही बड़ा इतिहास यहां पर रच दिया गया है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम नजर डालते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों पर। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। पिंक बॉल से यह मैच खेला जाएगा, यानी भाई डे नाइट यह टेस्ट मैच होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है, लेकिन भाई इस महामुकाबले में हमें भारत की प्लेइंग 11 यहां पर पूरी तरह से टोटली बदली हुई सी नजर आने वाली है। अभी 2 दिन पहले यहां पर अंतिम 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया था, जहां पर टीम में काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव हुए थे। चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं उन सभी बड़े बदलाव की जो हमें यहां पर प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव यहां पर हमें ऑलराउंडर्स के डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा, जहां पर हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में जगह मिलने वाली और यहां पर अक्षर पटेल या फिर वॉशिंगटन सुंदर इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की। तो भाई आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सोर्सेज के हवाले से जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि भाई केएल राहुल को भी भारत की प्लेइंग 11 में यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन केएल राहुल के लिए किस खिलाड़ी का यहां पर प्लेइंग 11 से पत्ता काटा जाएगा उसके ऊपर यहां पर किसी भी टाइप का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले बदलाव की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यह बदलाव हमें भारत के बोलिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। पिछले मैच में मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका मिला था, जसप्रीत बुमराह रेस्टेड थे, लेकिन भाई यहां पर तीसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह कमबैक करने वाले हैं और भाई मोहम्मद सिराज को यहां पर एक बार फिर से प्लेइंग 11 से बाहर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हुए 3 बड़े बदलाव जो हमें तीसरे टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया 0 सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं यहां पर खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के ऑक्शंस को लेकर। जी हां, कल 18 फरवरी को आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शंस हो चुके हैं, जहां पर सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिश मॉरिस बने, जिनको राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा और आईपीएल के ऑक्शन में बिकने वाली ये सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले युवराज सिंह 16 करोड़ रुपए में बिके थे, लेकिन भाई यहां पर क्रिश मॉरिस ने भाई उनका भी यहां पर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, एक नया इतिहास यहां पर रच दिया है। 16 करोड़ 25 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल 2021 के लिए क्रिश मॉरिस को अपनी टीम में शामिल किया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर भी आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के रिगार्डिंग है। जी आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शंस में हमें काफी सारे बड़े बड़े चेहरे बिकते हुए नजर नहीं आए, जहां पर वो बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर टोटली अनसोल्ड रहे। उनके नामों की हम यहां पर बात करते तो मेनली यहां पर आरोन फिंच, जैसन रॉय, एलेक्स हिल्स जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम निकल कर आए। मुशफिकर रहीम ने यहां पर बिल्कुल लास्ट टाइम पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उनको ऐसा लग रहा था कि वो बिक सकते हैं, लेकिन भाई आईपीएल में उनको खेलने का मौका नहीं मिला, वो भी यहां पर अनसोल्ड रहे, जिसके चलते काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के दौरान हमें यहां पर अनसोल्ड दिखाई दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स को लेकर। जी हां, किन खिलाड़ियों को यहां पर आईपीएल 2021 के लिए सबसे ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। तो भाई यहां पर लिस्ट ऑफिशियली जारी कर दी गई है, लिस्ट पर हम नजर डालते हैं। तो पहले नंबर पर है विराट कोहली
कोहली जिनको 17 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, दूसरे नंबर पर है क्रिश मोरिस जिनको 16 करोड़ 25 लाख रुपए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मिलेंगे, तीसरे नंबर पर है पैट कमिंस जिनको केकेआर की तरफ से 15 करोड़ 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं, चौथे नंबर पर है काइल जेमिनसन जिनको 15 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, पांचवें नंबर पर है सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिनको 15 करोड़ रुपए मिलेंगे, छठे नंबर पर है मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा इनको भी 15 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, सातवें नंबर पर है ग्लेन मैक्सवेल जिनको 14 करोड़ 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं, और आठवें नंबर पर है झाई रिचर्डसन जिनको 14 करोड़ रुपए आईपीएल 2021 में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये है वे सभी बड़े खिलाड़ी जो आईपीएल 2021 के दौरान बहुत अच्छा खासा सैलरी पाने वाले हैं, अच्छे खासे पैसे यहां पर कमाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है हरभजन सिंह को लेकर। जी आईपीएल 2021 के उत्साह से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने हरभजन सिंह को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था, और भाई सभी को ऐसा लग रहा था कि भाई हरभजन सिंह यहां पर आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के दौरान अनसोल्ड रहेंगे। हालांकि राउंड 1 में तो वो अनसोल्ड ही रहे थे, उनको किसी ने भी नहीं खरीदा था, लेकिन राउंड 2 में जब उनका दोबारा से नंबर आया तो उस वक्त पर भी उनके ऊपर कोई भी बिड लगाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बिल्कुल लास्ट एंड पर यहां पर उनके बेस प्राइस में ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने हरभजन सिंह बज्जी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके पीछे का रीजन यही बताया गया कि अगर भारत में आईपीएल होता है तो हरभजन सिंह उनके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है अर्जुन तेंदुलकर को लेकर। जी हां, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी आईपीएल में अपना डेब्यू कर रहे हैं। आईपीएल में उनको यहां पर खेलने का मौका मिला है, ऑक्शन की लिस्ट में वाइस, और आप सभी को पता है कि भाई पहले चरण में तो वो बिल्कुल अनसोल्ड रहे, उनके ऊपर किसी भी टीम ने किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन भाई दूसरे चरण में यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने उनको उनके बेस प्राइस में यानी 20 लाख रुपए में ही अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो भाई कुछ ऐसी है यहां पर 19 फरवरी 2021 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।